नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप सीटेट पेपर वन या फिर पेपर टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि 6 जून 2021 से स्टार्ट होने वाला है। तो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैच कोर्स रहेगा। इसमें इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे और इस बैच कोर्स में मैं भी आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो इसको आप जरूर एनरोल कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक आपने अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 3600 फीस पेड करनी होती है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 4500 फीस पेड करनी होती है। अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का तो सिर्फ आपको 5400 फीस पेड करनी होती है। इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे ABRG10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग SST के प्रैक्टिस सेट 20 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पे सर्वाधिक लोग शहरों में निवास करते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोप। यूरोप जो है ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। और आपको पता होगा कि यूरोप जो है इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप को क्या कहा जाता है आप याद रखोगे, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप के किस देश में है। तो आल्प्स जो पर्वत है इसका सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप के किस देश में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत जो है इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो है स्विट्जरलैंड में। और इसके अलावा यहाँ पर एक और पर्वत है जिसका नाम है यूराल। तो एशिया और यूरोप के मध्य में यूराल पर्वत स्थित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका सही आंसर है ज़ाइरे। ज़ाइरे जो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है, तब आपका आंसर होगा लिम्पोपो। जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही। ठीक है, अब जो ये ज़ाइरे है और लिम्पोपो है ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, जबकि जो माही है ये भारत में है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रेगिस्तान कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रेगिस्तान है वो है सहारा। सहारा रेगिस्तान का विस्तार अफ्रीका के 11 देशों में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, भाई विश्व का तो सहारा है, एशिया का पूछे सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है गोबी जो कि मंगोलिया में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है थार जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली जो स्वेज नहर है उसकी लंबाई कितनी है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली स्वेज नहर है उसकी लंबाई है 190 किलोमीटर। और इसके अलावा अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है, तब भी आपका आंसर यही होगा, स्वेज नहर। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पूछा जाए कौन सी नहर जोड़ती है, तो वो है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन का उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन का उत्पादन जो है वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक मक्का और सर्वाधिक जो है सोयाबीन है उसका उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड वो स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, जो कि असम में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे नदी है ब्रह्मपुत्र। और अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है, इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। और एस्किमो जनजाति का जो शीतकालीन आवास है, इनका जो शीतकालीन आवास है
वो कहलाता है इग्लू, और इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है जो ये लोग गर्मियों में बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्यूपिक। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूपिक। तो याद करिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बोलीविया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो बोलीविया का पठार जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। बोलीविया का पठार जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बोलीविया की राजधानी का नाम है लापास, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है आपका अमेजन। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अगर आपसे पूछें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता है कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। और अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी यानी कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन। और अमेजन का अगर आपसे पूछे कि उद्गम स्थल क्या है, तो आप याद रखोगे लेगो बिल फैरो। अमेजन का उद्गम स्थल क्या है? लेगो बिल फैरो, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है चीन, याद कर लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है, याद रखेंगे, वो है अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो देश है, याद रखेंगे, रूस। और इसके साथ में आपको पता होगा कि जो रूस है ये विश्व में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। विश्व में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस। और रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप के साथ साथ एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। तो रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं साइबेरिया, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में स्थित है उसी को साइबेरिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है कनाडा। और रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश भी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो देश है ब्राजील। कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ब्राजील, पता होगा आपको। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का भी नाम है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खिरगिज जनजाति है उसका संबंध किस महाद्वीप से है? तो खिरगिज जनजाति का जो संबंध है वो है एशिया महाद्वीप से। और ध्यान रखेंगे कि जो खिरगिज जनजाति है इसका जो आवास है वो कहलाता है यूर्त। खिरगिज जनजाति का जो आवास है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूर्त, याद कर लेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है कि माओरी, माओरी जो जनजाति है उसका संबंध किस देश से है? तो माओरी जनजाति जो है इसका संबंध है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको कहा जाता है माओरी, और न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला प्रश्न है कि वेदास जनजाति का संबंध जो है वो किस देश से है? तो वेदास जनजाति जो है इसका संबंध है श्रीलंका से, याद करेंगे। वेदास जनजाति का संबंध कहाँ से है, याद कर लेंगे, श्रीलंका से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइनू जनजाति का संबंध किस देश से है? तो आइनू जनजाति का जो संबंध है वो है जापान से। आइनू जनजाति का संबंध कहाँ से है, याद कर लेंगे, जापान से है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगले सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।